तो बच्चे आज हम लोग ने आपको प्रोज में चार लेसन कवर कर दिया है और आज हम लोग मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोज का सॉरी पोएम नंबर फर्स्ट पढ़ाऊंगा पोएट्री सेक्शन का जिसमें चार पोएम हैं जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा पढ़ाने पूरा प्रयास करेंगे कि ये जो पहला पोएम है इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये देखिए आप लोगों को दिख रहा है जो आपका पोएट्री सेक्शन का है पोएट्री सेक्शन की जो पहली पोएम है आपकी क्या है देखिए बच्चे द फाउंटेन फाउंटेन है और फाउंटेन का मतलब क्या होता है फवारा होता है बच्चे फाउंटेन मतलब फवारा फवारा जिसको कंपोज किया गया है जेम्स रूसल लॉवेल जी द्वारा कंपोज किया गया है फाउंटेन फाउंटेन किसके द्वारा इनके द्वारा कंपोज किया गया है ठीक। और तो इसमें ये जो पोएम है तो बहुत ही खासी पोएम है बढ़िया पोएम है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये एक प्रकार की जो फाउंटेन पोएम है बहुत ही प्रेरणादायक कविता है। कैसी कविता है बच्चे अब ये प्रेरणादायक है जिसमें जो आपके ये जो राइटर हैं एक प्रकार से कह सकते हैं कंपोजिटर हैं जेम्स रूसल लॉवेल जी इन्होंने फाउंटेन की विभिन्न प्रकार की दशाओं का विभिन्न प्रकार की ऋतुओं में क्या कंडीशन होती हैं उसको वर्णन किया है और बताए हैं कि ये विभिन्न प्रकार के सिचुएशंस में कैसा दिखता है। तो यहाँ से देखिए जैसे लिखा है इनटू द सनशाइन इनटू द सनशाइन सूर्य के प्रकाश में फुल ऑफ द लाइट देखो इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट इनटू द सनशाइन सूर्य की चमक में फुल ऑफ द लाइट सूर्य के पूर्ण प्रकाश में दोनों लाइन का बच्चे अर्थ क्या हुआ सूर्य के पूर्ण प्रकाश में लीपिंग एंड फ्लैशिंग ये जो फवारा है सूर्य के पूर्ण प्रकाश में दिन के समय सुबह के समय ठीक है सुबह में दिन के समय जो फवारा है लीपिंग करता है मतलब हमेशा उछलता रहता है फ्लैशिंग कूदता उछलता रहता है चमकता रहता है और चमकता रहता है लीपिंग मतलब उछलता रहता है फ्लैशिंग चमकता रहता है ठीक है फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट मॉर्न मतलब मॉर्निंग टिल नाइट सुबह से रात तक फवारा जो है क्या करता रहता है उछलता रहता है और चमकता रहता है। तो फाउंटेन के जिक्र करते हुए बताता है कि फाउंटेन जो है सूर्य के पूर्ण प्रकाश में दिन में क्या करता है फाउंटेन क्या करता है दिन में लीपिंग करता रहता है दिन भर लीपिंग करता रहता है चमकता रहता है अनफ्लैशिंग और उछलता रहता है कब से कब तक फ्रॉम मॉर्न मॉर्न मीन्स मॉर्निंग सुबह से टिल नाइट देर रात तक उछलता रहता है चमकता रहता है। बहुत टफ लेसन नहीं है इसको आप लोग ध्यान देखते रहिएगा। दूसरी स्टेंजा में देखो अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जैसे आपके एग्जाम में आता है राइमिंग वर्ड का कभी कभी पूछ लेता है तो राइमिंग वर्ड बच्चे जो होते हैं वो कोई भी लाइन होगी स्टेंजा की उसमें जो लास्ट के जो राइम एक जैसे हो जिसका मतलब कि जो साउंड निकले एक समान निकले जैसे साउंड किसका समान से देखो साइन फ्लैशिंग साउंड नहीं है इसमें आइन निकल रहा है इसमें इंग निकल रहा है उसके बाद देखो दूसरा कंडीशन ये वर्ड देखो लाइट ये क्या है नाइट तो आइट दोनों में निकल रहा है लाइट नाइट ये दोनों राइमिंग वर्ड आप कहलाते हैं मतलब एक प्रकार कह सकते हैं तुकान शब्द कहलाते हैं। तो दूसरे स्टेंज में देखेंगे इनटू द मून लाइट देखो सूर्य के दिन की बात हो गई सूर्य के प्रकाश की बात हो गई तो इसके बाद दूसरी कंडीशन में बता रहा है कि इनटू द मून लाइट जो मून लाइट में क्या करता है तारों के प्रकाश में मूनलाइट मतलब चंद्रमा के प्रकाश में पूर्णिमा में चांदनी रात में कुछ भी कह दीजिए तो इसमें क्या करता है फवारा वाइटर देन स्नो ये सफ़ेद दिखाई पड़ता है वाइटर देन दिखना देखो ये कंपरेटिव डिग्री वाइट का कंपरेटिव डिग्री है तो वाइट दिखाई पड़ता है सफ़ेद दिखाई पड़ता है देन स्नो बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई पड़ता है और वेविंग सो फ्लावर लाइक और पुष्पों के समान हिलता डुलता प्रतीत होता है पुष्प के समान फूल के समान हिलता डुलता प्रतीत होता है व्हेन द विंड्स ब्लो कब प्रतीत होता है जब हवाएं चलती हैं व्हेन द विंड्स ब्लो जब हवाएं बहती हैं तो जो फवारा है चांदनी रात में बर्फ से अधिक सफ़ेद दिखाई पड़ता है और जब हवा चलती है तो ये बिल्कुल पुष्प के समान हिलता डुलता प्रतीत होता है। इनटू द स्टारलाइट तारों के प्रकाश में रशिंग इन स्प्रे तारों के प्रकाश में क्या करता है स्टारलाइट तारों के प्रकाश में रशिंग इन स्प्रे ये फुहारों के समान उछलता रहता है रशिंग करता रहता है फुहारा के समान क्या करता है निकलता रहता है और हैप्पी एट मिडनाइट और आधी रात में भी बच्चे प्रसन्न हैं ये फुहारा क्या है हैप्पी
खुश रहता है एट मिडनाइट, अर्ध रात को भी प्रसन्न रहता है, और हैप्पी बाय डे, दिन में भी ये प्रसन्न रहता है। तो इसको पढ़ते हुए एवर इन मोशन, आप देखिए एवर इन मोशन प्रत्येक गतियों में, एवर इन मोशन हर मोशन में, गति में सदैव, एवर मतलब सदैव, मोशन में हमेशा गति में, कोई भी कंडीशन हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, सुख दुख हो, कोई भी सिचुएशन हो, वो हर सिचुएशन में क्या करता है, विषम रहता है, प्रफुल्लित रहता है, विषम रहता है, बिल्कुल प्रफुल्लित रहता है, खूब खुश रहता है, एंड चेरी, और इसका मतलब भी खुश रहता है। तो ये क्या करता है, हर कंडीशन में, हर दशा में, उसी प्रकार से व्यक्ति को भी हर कंडीशन में, सुख में, दुख में, यहाँ तक कि किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को प्रफुल्लित रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए। स्टिल क्लाइंबिंग हिमन वार्ड, और ये तब पर भी क्या करता है, क्लाइंबिंग करता रहता है, अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ता रहता है, हिमन वार्ड स्वर्ग की तरफ, स्वर्ग की तरफ, अपने उच्चतम पॉइंट की तरफ, व्यक्ति जैसे व्यक्ति को, उसी प्रकार से व्यक्ति को हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये फव्वारा हमको संदेश देता है, नेवर वियरी मतलब लगातार ये क्लाइंबिंग करता रहता है, नेवर अवियरी, और कभी नहीं इसको थकान लगती है, कभी नहीं थकता है। इस प्रकार से कह सकते हैं फव्वारा प्रत्येक कंडीशन में प्रफुल्लित रहता है, आनंदित रहता है, और स्टिंग क्लाइंबिंग ह्यूमन वार्ड, ये सदैव स्वर्ग की तरफ आगे बढ़ते हुए रहता है, अपने प्रगति पर निरंतर विद्यमान रहता है, नेवर अवियरी, और कभी नहीं इसको थकान लगती है, कभी नहीं थकता है। ग्लैड्स ऑफ ऑल वेदर्स, देखिए ग्लैड्स ऑफ ऑल वेदर्स, ठीक, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, समस्त मौसम में, ऑल वेदर्स समस्त मौसम में, अब समस्त मौसम समझते, जाड़ा गर्मी बरसात किसी भी मौसम में ग्लैड है, ये बिल्कुल क्या रहता है, ग्लैड रहता है, खुश रहता है, हृदय से प्रफुल्लित रहता है, स्टिल सीमिंग बेस्ट, और सदैव सीमिंग दिखाने का प्रयास करता है, बेस्ट सर्वश्रेष्ठ, और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करता है, हमेशा सबसे बेहतर करने का प्रयास करता है, और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऊपर जाना, अपवर्ड ऊपर की तरफ जाना, एंड डाउन और डाउनवर्ड नीचे की तरफ आना, मोशन द रेस्ट, मोशन द रेस्ट, इन्हीं मोशन में, इन्हीं गतियों में, इसकी गति क्या है, ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, मतलब इन्हीं गतियों में ये क्या करता है, द रेस्ट, ये अपना आराम कर लेता है, इसको आराम नहीं मिलता, ये सदैव गतिमान है, हमेशा दिन रात 24 घंटे कार्य करता रहता है, लेकिन इसको आराम कब मिलता है, ये जब ऊपर जाता है नीचे आता है, ये जो इसकी मोशंस हैं, इसी मोशन के दौरान वो क्या करता है, अपने आप को आराम कर लेता है, फुल ऑफ नेचर, और ये सदैव नेचर से फुल होता है, ये सदैव ऊर्जा से परिपूर्ण होता है, नेचर से क्या होता है, परिपूर्ण है, इसको ईश्वरीय शक्तियाँ से परिपूर्ण है, नथिंग कैन टेम, और इस संसार की कोई भी चीज़ कैंटेन इसको प्रभावित नहीं कर सकती है, इसको अपने बस में नहीं कर सकती है, ये क्या है, ईश्वरीय शक्ति से परिपूर्ण है, अपने आप बिल्कुल आत्मविश्वास से भरा हुआ है, और इसको इस संसार की, नेचर की कोई भी वस्तु इसको प्रभावित नहीं कर सकती है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, और ये हर समय बदलता रहता है, इसकी जो सिचुएशन है, इसकी जो कंडीशन है, वो क्या करता है, हर क्षणिक है, हर समय बदलता रहता है, हर समय बदलते हुए, देखो ये संसार परिवर्तनशील है, यहाँ पर सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, तो हर समय बदलने वाली चीज़ों को ये सहते हुए, बिल्कुल ऊर्जा से प्रफुल्लित, ऊर्जा से परिपूर्ण, हर समय बदलते हुए चीज़ों को सहते हुए, एवर द सेम, हर परिस्थिति में, हर कंडीशन में ये बिल्कुल क्या रहता है, एक समान बना रहता है, सीजलेस इंस्पायरिंग, और लगातार ये जीवन में अपने आगे बढ़ता है, सीजलेस इंस्पायरिंग, लगातार अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहता है, सीजलेस कंटेंट, और हमेशा क्या करता है, आगे बढ़ते रहता है, और फिर क्या करता है, कंटेंट रहता है, बिल्कुल निश्चिंत रहता है, किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होती, किसी प्रकार की हमेशा हैप्पीनेस रहता है, डार्कनेस और सनशाइन, चाहे डार्कनेस हो, चाहे अंधेरा हो, सनशाइन हो, सूर्य का प्रकाश हो, चाहे अंधेरा हो, चाहे सुख हो, दुख हो, दी एलिमेंट्स, यही इसके मौलिक तत्व होते हैं। कहने का मतलब इस पोएम के माध्यम से पोएट ये बताना चाहता है, उसी प्रकार से व्यक्ति को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमेशा निश्चिंत रहना चाहिए, बिल्कुल संतोषी प्रवृत्ति रहना चाहिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमेशा व्यक्ति को खुश रहना चाहिए, यही इसके मौलिक तत्व हैं। ग्लोरियस फाउंटेन, अब इसके बाद कह रहा है अंतिम स्टेज में, देखिए ग्लोरियस फाउंटेन, हे महान फव्वारे, ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस संज्ञा दिया है, हे महान फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी बना दीजिए, परिवर्तित कर दो, मेरे हृदय को भी, उसको भी, मेरे हार्ट को भी क्या कर दो, बना दीजिए फ्रेश, बिल्कुल अपने समान फ्रेश बना दो, ताजे बना दीजिए, ठीक है, हैप्पीनेस बना दो, चेंजफुल परिवर्तनशील बना दीजिए, मुझको भी परिवर्तनशील कर दीजिए, मेरे हार्ट को भी परिवर्तनशील कर दो, ताकि मैं भी समय, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को, सिचुएशन के अनुसार अपने आप को भी चेंज कर सकूं, और कांस्टेंट कर दीजिए, मुझको भी फिक्स कर दीजिए, मैं भी बिल्कुल स्थिर रहूं, और अपवर्ड लाइफ दी थी, और आपके समान, आपके समान जिस प्रकार से आप अपने जीवन में लगातार उन्नत कर रहे हैं, आपके समान मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ता रहूं।
तो बच्चे ये आपका पोएम फर्स्ट ख़त्म हुआ, इसको आप लोग एक दो बार पढ़ लीजिएगा, ये लेसन आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा और जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो देख लीजिएगा, ये आपकी मीनिंग है, मीनिंग भी आप लोग चेक कर सकते हैं बढ़िया से देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो चाहे लाइन में समस्या हो चाहे मीनिंग में समस्या, आप लोग बिल्कुल आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पर आप संपर्क करेंगे, वहाँ से आप जा कर के अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और जिसको आप जो नंबर जिस चैनल पर आपको ज़रूर मिल जाएगा।